नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा मैट्रिक्स पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो मैट्रिक्स है इसको एडवांस मैथ के अंदर लिया जाता है। और दोस्तों, आजकल मैट्रिक्स पर भी काफी सारे एग्जाम के अंदर, कंपिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों, एडजॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपका ट्रांसपोज क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका इनवर्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस मैट्रिक्स टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों, जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है दोस्तों, संख्याओं की सारणी होती है। जैसे दोस्तों, ये लो, इसके अंदर मैंने चार संख्याएं लिख दी, तो ये मैट्रिक्स क्या हुआ? मैट्रिक्स बोलते हैं संख्याओं की सारणी, यानी कि जो ये संख्याएं होते हैं इनको बंद करके लिख देते हैं। और दोस्तों, ये जो साइन देखो मुड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये साइन होता है दोस्तों मैट्रिक्स का। और अगर ये साइन दोस्तों ऐसे होता, यानी 5, 2, 4, 3, ये दोस्तों हमारा साइन मैट्रिक्स का नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट का। तो आज हम दोस्तों मैट्रिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं की सारणी, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स का होता है दोस्तों साइन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम बनाएंगे कि जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे बनता है। आज आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, मैट्रिक्स बनता है आपका रो और कॉलम को मिलाकर, यानी कि रो और कॉलम को मिलाकर दोस्तों क्या बनता है, एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों, ये आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों, इसके अंदर ये जो पड़ी हुई है, दोस्तों इनको तो बोला जाता है रो, R1, R2, यानी जो आपको ये मैट्रिक्स नजर आ रहा है इसके अंदर दोस्तों दो रो हैं। और ये जो खड़ी हुई होती हैं दोस्तों, जैसे 2 और 5, 3 और 4, इसको दोस्तों बोला जाता है कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जो रो और कॉलम को मिला के बनता है। तो दोस्तों, अब आपको सिखाने जा रहा हूं अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के दिखाओ, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के दिखाओ, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स को बनाना सिखा रहा हूं कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। बिल्कुल इजी वैसे दोस्तों, देखना, जैसे इसने बोला 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, सबसे पहले तो इसका मीनिंग सुनो दोस्तों क्या होता है। ये जो आगे दिया होता है ये दोस्तों रो को डिफाइन करता है, और ये जो पीछे दिया होता है ये दोस्तों कॉलम को डिफाइन करता है। यानी कि 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनाना है इसमें दो रो चाहिए, और दो ही क्या चाहिए हमें, कॉलम चाहिए। इसमें दोस्तों तीन रो होनी चाहिए और तीन ही कॉलम होने चाहिए। इसमें दोस्तों रो तो होनी चाहिए दो और कॉलम होने चाहिए तीन, और इसमें दोस्तों रो होनी चाहिए तीन और कॉलम होने चाहिए चार। तो दोस्तों, जब भी आपसे वो पूछेगा कि 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसने पहले जो डिजिट अप्लाई किया है उसको हम रो बोलते हैं और पीछे वाले को कॉलम बोलते हैं। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑर्डर बनाएंगे कैसे वो देखिए दोस्तों। अब हमने क्या करना है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो ये लो दोस्तों, आप मैट्रिक्स का पहले निशान लगा लीजिए, ये मैंने मैट्रिक्स का साइन लगा दिया। अब दोस्तों, 2x2 का मीन कि हमें दो रो चाहिए और दो कॉलम चाहिए, तो आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, ए ए लिख लो,
ए ए ए और ए। ये लो दोस्तों, अब आपको नजर आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का बनेगा। ये देखो, पड़ी हुई रो 2 नजर आ रही है और खड़े हुए कॉलम भी 2 नजर आ रहे हैं। अभी दोस्तों ये मैट्रिक्स बना नहीं है, अब कैसे बनाएंगे। ए ए सबसे पहले लिखो, फॉर्मेट एक तैयार किया है। अब देखो दोस्तों, इसको मैंने A11 का नाम दे दिया, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसको A11 का नाम क्यों लिया, यानी ये 11 नहीं है दोस्तों, ये 11 है। इसका मीनिंग क्या होता है, आगे वाला हमेशा रो रहेगा और पीछे वाला कॉलम रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, आगे एक है तो ये रो है, पीछे एक है तो ये कॉलम है। इसको मैंने A11 का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये पहली रो में है और पहले किस में है दोस्तों, कॉलम के अंदर है। यानी किस में है, पहली रो में और पहले कॉलम में आता है ये A11, इसलिए मैंने इसको A11 का नाम दे दिया। इसको दोस्तों मैं क्या नाम दूंगा, A12 का, यानी 12 नहीं A12। इसका मीनिंग क्या, ये वाला जो संख्या होगी ये फर्स्ट रो में आएगी और सेकंड कॉलम में आएगी, इसलिए इसको 12 का नाम दिया। ऐसे दोस्तों इसको क्या नाम दूंगा, 21, और इसको क्या नाम दूंगा दोस्तों, 22। ये देखो, इसको 21 नाम क्यों दिया, कि अब ये सेकंड रो में आ चुका है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको A21 का नाम दिया, और इसको A22, क्योंकि ये सेकंड ही रो में है और सेकंड ही कॉलम में है। तो ये लो दोस्तों, मैंने एक 2x2 ऑर्डर का क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। तो अब दोस्तों आपको ये बनाने आ गए होंगे, जैसे 3x3 ऑर्डर का बनाना है तो आप ये साइन लगाओ, ए ए ए, पहले ए लिख लिया करो दोस्तों, ए ए और ए। ये देखो दोस्तों, अब आप देखो ये 3x3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है। क्या नाम दोगे, ये आपकी R1, ये R2 और ये R3, ये C1 और ये C2 और ये C3। तो क्या नाम दोगे इसको, A11, A12, A13। इसी तरह दोस्तों ये 21, ये 22, ये 23। इसको 31 क्यों बोला, तीसरी रो में और पहले कॉलम में। ये 32 और ये 33। ये दोस्तों हमारा तीन रो और तीन कॉलम का क्या बन चुका है, मैट्रिक्स बन चुका है। ऐसे दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला कि 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, 2x3 ऑर्डर, यानी कि आगे रो और पीछे कॉलम, दो रो होनी चाहिए और तीन कॉलम होने चाहिए। तो दोस्तों क्या करोगे आप, वही काम करो, दो रो और तीन कॉलम, ए ए ए, ए ए और ए। ये देखो दोस्तों, क्या ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, हाँ बन चुका है। इसमें रो देखो दोस्तों, दो है R1 और ये R2 जो पड़ी होती है, ये रो होती है, और ये कॉलम C1 C2 C3, यानी कि ये 2x3 ऑर्डर का दोस्तों मैट्रिक्स बन गया। नामकरण कैसे करोगे, 11 12 13 21 22 23। ये दोस्तों आपका 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो अब दोस्तों आपको मैट्रिक्स बनाना तो अच्छी तरह से आ गया होगा। अब एग्जाम में दोस्तों ये तो बोलेगा नहीं कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना के दिखाओ, 3x3 ऑर्डर का बना के दिखाओ, नहीं दोस्तों, वो आपसे आंसर भी पूछेगा। अब वो क्या आंसर पूछेगा, देखिए दोस्तों, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या अप्लाई किया, आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको बोलेगा लेट, लेट का मीन कि आप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेट कीजिए, और आपसे वो क्या क्या सवाल कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि i+j बताइए, दूसरा क्वेश्चन i-j बताइए, तीसरा दोस्तों i+j का स्केयर बताइए, चौथा दोस्तों i-j का स्केयर बताइए, पांचवा दोस्तों i+j का स्केयर बाय 2 बताइए, इसी तरह दोस्तों i-j का स्केयर बाय 2 बताइए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे उसने कहा 3i
प्लस दो जे का स्क्वायर बाय तीन बताइए। इस तरह से दोस्तों वो कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो आप इनका जवाब कैसे दोगे? नए बच्चों को तो ये भी दिक्कत आ रही होगी कि ये आई और जे क्या लिखा है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने टेंथ के आगे मैथ नहीं लिया उसको ये मैट्रिक्स के बारे में दोस्तों नहीं पता होगा, लेकिन अब सीख जाओगे। अगर ये क्लास लगा रहे हो तो मैट्रिक्स निकालना दोस्तों आप सीख जाओगे। तो आइए दोस्तों, ये आई और जे क्या चीज होती है यही डिफाइन करना चाहता हूं। सबसे पहले वो क्या बोलेगा आपको, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेगा, जैसे दो बाय दो ऑर्डर का बोल दिया, अभी जैसे मैंने बना के दिखाए, तीन बाय तीन का बोल देगा, दो बाय तीन का बोल देगा, तीन बाय दो का, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल सकता है। वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो दो बाय दो ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, क्या बनेगा दोस्तों, ये लो अभी सिखाया था मैंने ए ए ए और ए, ये ए वन वन, ये वन टू, ये टू वन और ये टू टू, ये लो दोस्तों दो बाय दो ऑर्डर का क्या बन चुका है मैट्रिक्स। अब उसने बोला कि आई प्लस जे का आंसर दीजिए, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आई जे क्या होता है। ये जो मैंने ए वन वन लिखा है, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि ए वन वन आगे वाला क्या होता है, रो होती है, और पीछे वाली कॉलम होता है। तो दोस्तों यहां पर यह ध्यान देना, आगे वाले को यानी जो आगे वाला है इसको रो भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। दोस्तों पता चल गया आई क्या होता है, ये ए के पैर में जो आपको 11 नजर आ रहा है ये वन वन है, आगे वाला आई होता है, पीछे वाला जे होता है। तो यहां पर आई एक है जे भी एक है, यहां पर ए वन टू, आई एक है जे दो है, यहां पर दोस्तों ए टू वन यानी कि आई टू है और जे आपका एक है, यहां पर टू टू, आई भी दो है और जे भी दो है। अब उसने क्या बोला है, पहले बोला कंडीशन लगाई कि आई प्लस जे का आंसर दीजिए, तो आप दोस्तों आई प्लस जे का आंसर कैसे दोगे, आई और जे को जोड़ दो, एक और एक क्या आ गया दो, एक और दो क्या आ गया तीन, ऐसे दो और एक क्या आ गया तीन, दो और दो क्या आ गया चार। ये लो दोस्तों, इस जो हमने दो बाय दो ऑर्डर का मैट्रिक्स सेलेक्ट किया उसका हमारा जो आई प्लस जे का आंसर था वो क्या आ चुका है, दो तीन तीन और चार, ये दोस्तों आई प्लस जे का आंसर आ गया। तो आपको पता चल गया होगा कि आई किसको बोलते हैं और जे किसको बोलते हैं। अब दोस्तों आई माइनस जे करना है, आई माइनस जे करना है यानी कि आई में से जे को घटाना है, एक में एक घटाया जीरो, एक में से दो माइनस किया माइनस वन, दो में एक माइनस किया एक, दो में दो गया जीरो, ये लो दोस्तों आई माइनस जे का आंसर आ चुका है। ऐसे दोस्तों आई प्लस जे का स्केयर का आंसर बताना है, यानी स्केयर का मीनिंग ये जो आपका सबसे पहले तो आई प्लस जे यानी कि आप क्या करोगे, आई और जे को जोड़ो फिर उसका स्केयर कर दो, जोड़ लो एक और एक दो, एक और दो तीन, दो और एक तीन, दो और दो चार। अब दोस्तों इसका स्केयर करोगे, दो का स्केयर क्या होता है चार, तीन का नौ, तीन का नौ चार का सोलह, ये आपका दोस्तों आई प्लस जे का क्या आ चुका है, स्केयर आ चुका है। ऐसे दोस्तों आई माइनस जे, आई में से जे को माइनस कर कर आप स्केयर कर सकते हो। ऐसे दोस्तों आई प्लस जे का स्केयर कर कर जो आंसर आएगा, ये देखो दोस्तों यही आया है आई प्लस जे का स्केयर। अब यहां पर पांचवें में देखो ध्यान से, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ऊपर तो i प्लस जे का स्क्वायर और उसके बाद उसको दो से डिवाइड करना है, ये हमारा देखो
आई प्लस जे का स्केयर आया है, अब इसको दोस्तों दो से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा जैसे दो, ये 9/2 रहेगा, ये भी 9/2 और ये क्या आ जाएगा 8। ये दोस्तों आई प्लस जे का क्या आ गया स्केयर। आप इसको पॉइंट में नहीं लिखोगे, 9/2 है तो 4.5 होता है, लेकिन आप इसको 9/ क्या लिखोगे दोस्तों 2 ही रखोगे। इस तरह से दोस्तों आपको मैंने क्या सिखाया कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स के अंदर रो कॉलम क्या होते हैं और मैट्रिक्स बनता कैसे है। मैट्रिक्स किसे बनता है दोस्तों, रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है। उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बताया कि आप मैट्रिक्स बनाओगे कैसे, 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। उसके बाद दोस्तों आपको मैट्रिक्स बनाना आया, उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि ये आई प्लस जे क्या होता है। इसके मैंने दोस्तों आपको ये 6-7 एग्जांपल लिखे थे, उसको दोस्तों करना सिखाया। ये मैंने 3-4 सोल्व किए, बचे आप 2-3 आप खुद सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि I प्लस J क्या चीज होती है। तो आइए दोस्तों अब मैट्रिक्स के अंदर आगे बढ़ते हैं। यह था ऑर्डर बनाना। उसके बाद दोस्तों मैट्रिक्स के अंदर क्या आता है, मैट्रिक्स को क्या करना दोस्तों, ऐड करना। अगला जो आपका स्टेप आएगा मैट्रिक्स को ऐड करना, ऐड का मीन क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। अब आपको पता है दोस्तों जब मैट्रिक्स को ऐड करने का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक से अधिक मैट्रिक्स देगा। जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया 3, 2, 2 और 4, एक मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया 5, 3, -1 और 4। ये दोस्तों मैंने दो मैट्रिक्स ले लिए और आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के हैं, यानी कि 2 ही रो 2 ही कॉलम। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी होगी, वो क्या है कि हम मैट्रिक्स को तभी जोड़ पाएंगे जब जिस मैट्रिक्स को जोड़ना है उनके रो और कॉलम, यानी कि रो कॉलम किसको बोलते हैं, ऑर्डर को, उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब दोस्तों ए जो मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर भी 2/2 ऑर्डर का है और बी भी 2/2 ऑर्डर का है। अब दोस्तों इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर समान है। अगर ऑर्डर समान नहीं होंगे तो हम मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों जोड़िए, जोड़ने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस फर्स्ट जो हमारा A11 है और जो B का भी A11 है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 3+5। इसी तरह ये A12 है और ये 12 है, इनको जोड़ दो। ऐसे दोस्तों 2+3, यानी कि जोड़ना बहुत ही इजी है। 4+4 तो क्या आंसर आया, 3 और 5 8, 2 और 3 5, 2 में -1 और 4 और 4 8। ये लो दोस्तों हमने क्या किया, ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ दिया। तो दोस्तों जोड़ना बहुत आसान है। जोड़ना कैसे है कि A11 में A11 को जोड़ना है, A12 में A12 को जोड़ना है, A21 में A21 को जोड़ना है और A22 में A22 को जोड़ना है। तो दोस्तों ये था मैट्रिक्स को जोड़ना, जो सबसे इजी था। अब एक एग्जांपल और दोस्तों मैं लेता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया, ए मैट्रिक्स लिया मैंने जैसे 5, 7, 3 और 4। एक दोस्तों मैंने बी मैट्रिक्स लिया 5, 7, 3, 2, 1 और 4। अब क्या बोला गया दोस्तों, ए और बी को क्या करो, जोड़ के दिखाओ। तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि क्या हम इनको जोड़ सकते हैं। नहीं दोस्तों, हम इनको नहीं जोड़ सकते। अब क्यों नहीं जोड़ सकते वो भी बताओ मुझे,
क्योंकि दोस्तों इनके जो ऑर्डर हैं वो दोस्तों समान नहीं है, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है ये तो 2x2 ऑर्डर का है, दो रो है, दो कॉलम है, लेकिन ये जो बी मैट्रिक्स है ये दोस्तों 2x3 ऑर्डर का है, यानी कि इसमें दो रो हैं और तीन क्या है, कॉलम है। तो दोस्तों हम इस मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में नहीं जोड़ सकते। जब नहीं जोड़ सकते तो हम आंसर क्या देंगे दोस्तों, नन ऑफ दीज। क्या आंसर लिखेंगे दोस्तों इसके अंदर, नन ऑफ दीज, कि बता पाना संभव नहीं है। क्या आंसर आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ए प्लस बी का, कि नन ऑफ दीज बता पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि मैट्रिक्स कैसे जुड़ता है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो, समान हो, तभी हम मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अब दोस्तों सीखते हैं मैट्रिक्स को क्या करना, सबट्रैक्ट करना, यानी कि मैट्रिक्स को घटाना। अब आपको सिखाते हैं दोस्तों मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जैसे मैंने दोस्तों ए मैट्रिक्स लिया 5 3 4 2 और बी मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 -3 और -2। ये लो दोस्तों, अब इन दोनों मैट्रिक्स को यानी कि ए माइनस बी, इनको क्या करना है, घटाना है। तो अब दोस्तों मैट्रिक्स को घटाना कैसे होता है, इसकी भी स्टोरी है दोस्तों। जब दोनों ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं समान होंगे तभी हम घटा सकते हैं। वही दोस्तों ऐड वाला रूल रहेगा। ऐड कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए और घटा भी दोस्तों कर सकते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों को आपस में घटा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर क्या है, समान है। तो दोस्तों घटाइए, ए में से बी को घटाना है, और अगर बी माइनस ए लिख दे तो बी में से किसको घटाना है, ए को घटाना होता है दोस्तों। तो अब हम कैसे माइनस करेंगे, वही सेम तरीका कि A11 में से A11 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 - 1। ऐसे दोस्तों ये 4 में से उसको माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 3 में से इसको माइनस करेंगे और ऐसे ही 2 + 2। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 में ये घटाना चाहिए तो यहां पर प्लस कैसे है, क्योंकि दोस्तों आगे हमने माइनस करना है और आगे जो हमारा ए 2 है वो माइनस का है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कीजिए दोस्तों, 5 में से 1 गया 4, 3 में 2 1, 4 और 3 7 और 2 4। ये लो दोस्तों हमने क्या किया, ए में से बी मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं एक तरीका और बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैंने इस माइनस वाले सम को भी जोड़ वाले की तरह बनाना है तो बना सकते हो। क्या उसने पूछा, क्या आंसर तो पूछा कि ए माइनस बी बताओ, और हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, आंसर दोस्तों वही आएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपने क्या करना है, ए में से बी मैट्रिक्स को घटाना है तो आप क्या करो, इस बी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दो। इस बी मैट्रिक्स के जब आप साइन बदल दोगे तो दोस्तों चाहे आप इन दोनों को जोड़ देना, आंसर माइनस वाला ही आएगा। देख लो यहां पर प्लस है माइनस कर दिया, ये माइनस है प्लस कर दिया, ये प्लस है माइनस और ये प्लस। अब दोस्तों आप इन दोनों को चाहे जोड़ दो, आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो माइनस वाला ही प्राप्त होगा। करके देख लो, 5 और -1 कैसे लिखोगे, 5 - 1, 4 + 3
और 3 माइनस 2 और 2 और 2, ये लो दोस्तों इसको जोड़ा, 5 में 1 4 1 7 और 4, दोस्तों वही आंसर आया। ये दोस्तों आंसर हमने किया तो क्या जोड़ा, आंसर आया माइनस का। तो दोस्तों इस तरह से आप माइनस वाले क्वेश्चन को भी प्लस वाला बना सकते हो। बनाओगे कैसे, जिसको जिसमें से घटाना हो, यहां पर a माइनस बी यानी a में से b को घटाना था, तो जिसको घटाना हो उसके आप साइन बदल दीजिए, जो माइनस का है प्लस का कर दीजिए और जो प्लस का है वो माइनस का कर दीजिए, और फिर दोस्तों इनको जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका दोस्तों माइनस का ही आएगा। ये मैंने आपको क्या सिखाया दोस्तों, मैट्रिक्स को क्या करना, घटाना, पहले दोस्तों जोड़ना सिखाया, अब आपको क्या सिखाया दोस्तों, घटाना। इस तरह से दोस्तों अभी भी बहुत कुछ पड़ा है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने क्या किया मैट्रिक्स के अंदर क्या सीखा, सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद आपको मैंने रो और कॉलम के बारे में बताया कि रो और कॉलम क्या होते हैं, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ऑर्डर के बारे में सिखाया कि ऑर्डर कैसे बनते हैं, जो रो और कॉलम को मिला के बनते हैं, उसके बाद दोस्तों मैंने आई और जे की स्टोरी सुनाई कि आई और जे क्या होता है, उसके बाद दोस्तों मैंने मैट्रिक्स को ऐड करना सिखाया, फिर मैंने दोस्तों आपको मैट्रिक्स को क्या करना सिखाया, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना सिखाया दोस्तों। अब दोस्तों जो आगे हमारा टॉपिक आएगा वो काफी फेमस रहने वाला है, उसके अंदर आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फिर आपको दोस्तों ट्रांसपोज निकालना सिखाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको कोफैक्टर के बारे में सिखाएंगे, एडजॉइंट के बारे में दोस्तों सिखाएंगे, और फिर आपको इनवर्स के बारे में, और दोस्तों इन इन टॉपिक के अंदर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, आज से 2 साल पहले भी पूछा जाता था। तो ये था दोस्तों मैट्रिक्स का एडवांस मैथ के अंदर मैट्रिक्स क्या चीज होती है, बिल्कुल मैंने आपको बच्चों की तरह धीरे धीरे कर एग्जाम्पल लेके दोस्तों आपको क्या सिखाया। अगर दोस्तों अब भी नहीं सीख पाओगे तो फिर कभी आप सीख भी नहीं पाओगे। अगर दोस्तों आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप उसको 2 बार रिपीट कीजिए, तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपको ये सारे का सारा टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये एडवांस मैथ है, थोड़ा जोर जरूर लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल एक साधारण मैथ की तरह दोस्तों करवा रहा हूं। तो दोस्तों अब ये जो मैट्रिक्स की वीडियो है इसको यही स्टॉप करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।